ओए रास्ता रास्ता में जिंदा बहुत फुल भरी हुई थी यार। शुक्र मैं नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो मैंने थोड़ा सा लेट बोला है, लेकिन इट्स ऑल राइट, क्योंकि अपने लोगों को भी तो बोलना ज़रूरी है। मैंने बोला हर जगह मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे भी बोल देता हूँ। तो आप सभी को रमज़ान मुबारक, और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़े से सिचुएशन कंट्रोल में भी है और नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, जिस तरह से लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, और हमें नहीं पता कि आगे क्या सूरत हाल होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो हमारी नमाजें और तरावियाँ हैं उनमें थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन मैंने कल आज पहला रोज़ है, तो मैंने कल जब तरावी पढ़ी तो तरावी में तो सूरत हाल अच्छी थी, लेकिन उसके अलावा जब मैंने कल जुम्मा पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा ना पैनिक हुआ हुआ था, मतलब ना जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट बेहतर था पहले की सूरत हाल से, कि ये नहीं कि वो घुस घुस के खड़ा हुआ जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ख़ुद से प्रॉब्लम है। हमें पता है कि सूरत हाल सही नहीं है, हमें एहतियात रखनी चाहिए, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन हमसे वो तक नहीं हो रहा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे आपको पंखा अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सब्र करें, ताकि अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसके बाद आप भी वहाँ पे खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है ही नहीं, आपको जहाँ पंखा नहीं मिल रहा आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं और वो सफ़ की जगह खाली छोड़ रहे हैं, तो यार ये बहुत गलत बात है। बाकी ये है कि जो रमज़ानों की हमारी पहले की जो रूटीन थी, जो हम लोग का सुबह का उठना होता था, मैच खेलना होता था, और फिर उसके बाद शाम का जो सिचुएशन, शाम की जो सिचुएशन होती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, और अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हैं, और सुबह क्रिकेट तो वैसे भी नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर कोई आ गया तो डंडे पड़ेंगे और फिर सूजी भी सबकी जाएगी घर में। लेकिन खैर एहतियात करेंगे सारे, उम्मीद है, और आप सब अपना ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस में भी देखें, दूसरों का ख्याल रखें, जो हो सकता है वो करें प्लीज़। बाकी बस यही है, अभी पसीने छूट रहे क्योंकि पंखा बंद है, और इससे पहले कि थोड़ी सी सूरत हाल ख़राब हो जाए मैं पंखा चला लेता हूँ, तो मुझे तो सुबह ही रोज़ा लगने लग गया था। ये जो अभी मैंने एक बात बताई है जगह छोड़ने वाली, ये मेरे साथ कल तरावी में हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ कि मुल्क में सिचुएशन इतनी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ऐसा रहा है। शायद मैं कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ शायद। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे हिचकी आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई याद कर रहा है। मुझे कौन याद कर सकता? कोई भी नहीं भाई, हम गरीबों को कोई नहीं याद करता। खैर मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बात बतानी थी कि हाँ, पिछले रमज़ान मैंने सिर्फ पहले रोज़े का ब्लॉग डाला था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग डालूंगा, लेकिन मैं नहीं डाल सका, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खींच के ब्लॉग डालूँ। तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं रमज़ानों में ब्लॉग बनाऊँ, और या तो ये बताओ कि क्या मैं 7 दिनों मतलब पूरे 7 दिन ब्लॉग डालूँ या नहीं डालूँ, बाकी तो मुझे कर देना। तो आप भी अपनी राय देते हैं कि आप क्या सोचते हैं। बाकी मेरा होलिया थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, चला रहे ठीक है, अल्लाह। वो जब मैं बात कर रहा था तो एक बच्चा पीछे से कोई चिल्ला रहा था, और वो अभी भी कंटिन्यूसली चिल्ला रहा है। रमज़ानों में भी सुकून नहीं है भाई, क्या करें। सोच रहा हूँ बियर्ड काट ही लूँ, वरना